नमस्कार दोस्तों, विटामिन डी जिसे धूप विटामिन के रूप में भी जाना जाता है, शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आदि पोषक तत्वों को आंतों में अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस आदि जैसे कई रोग हो सकते हैं। हालांकि एक नए अध्ययन में विटामिन डी के बहुत अधिक सेवन के हानिकारक प्रभावों को भी संकेत किया गया है। आइए इसी बारे में जानते हैं। विटामिन डी कैल्शियम एब्सॉर्प्शन, इम्यूनिटी, हड्डी मांसपेशियों और हृदय स्वास्थ्य की रक्षा में शामिल है। यह भोजन में स्वाभाविक रूप से होता है और आपके शरीर द्वारा उत्पादित किया जा सकता है जब आपकी त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है। फिर भी फैट युक्त मछली के अलावा विटामिन डी से भरपूर कुछ खाद्य पदार्थ भी है। अधिकांश लोगों को पर्याप्त विटामिन डी का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त धूप नहीं मिलती है। इसी वजह से विटामिन डी की कमी बहुत आम है। वास्तव में यह अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 1 बिलियन लोगों को विटामिन डी पर्याप्त नहीं मिलता है। विटामिन D2 और विटामिन D3 दोनों को पूरक रूप में लिया जा सकता है। विटामिन D3 का उत्पादन सूरज के संपर्क में होता है और यह जानवरों के उत्पादों में पाया जाता है, जबकि विटामिन D2 पौधों में होता है। हालांकि लंबे समय तक विटामिन D3 की अत्यधिक उच्च खुराक लेने से शरीर में टॉक्सिसिटी निर्माण हो सकती है। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी तब होती है जब रक्त का स्तर 150 ng पर ml से ऊपर होता है। महत्वपूर्ण रूप से विटामिन डी की टॉक्सिसिटी आम नहीं है और उन लोगों में होती है जो रक्त के स्तर की जांच के बिना दीर्घकालीन उच्च खुराक लेते हैं। विटामिन डी की अधिक मात्रा होने से शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। वे लक्षण क्या है वो जानते हैं। शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, उल्टी या उल्टी की संभावना होना, भूख न लगना, पेट दर्द, कब्ज या दस्त, हड्डियों को भी नुकसान होता है। बहुत अधिक विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। किडनी फेलियर, अत्यधिक विटामिन डी के सेवन से अक्सर गुर्दे में चोट लगती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि विटामिन डी समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि अगर आप एक स्वस्थ आहार का पालन करते हैं तो इष्टतम रक्त स्तर को प्राप्त करने के लिए आपको पूरक आहार की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि किसी अच्छी चीज़ का बहुत अधिक होना भी संभव है। विटामिन डी की अत्यधिक खुराक से बचने के लिए सुनिश्चित करें और नियमित रूप से विटामिन के स्तर का रक्त परीक्षण जरूर करें। यदि आप विटामिन डी की खुराक ले रहे हो और बताए गए किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी ब्लॉग पेज healthcareantisickcare.com/blog जरूर देखें। धन्यवाद।